हे गाइस, गुड इवनिंग। और हम लोग जा रहे हैं अभी हल्दी में, तो उसके लिए तैयार हो रहे हैं। हल्दी पार्टी है तो उसमें जा रहे हैं और उसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो अतिथि आपको दिखाएगी उसका मेकअप। अभी उसका लुक सिंपल है, कुछ भी नहीं लगाया है उसने। तो हम स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। तो आप देखिए कि रात को पार्टी मेकअप किस तरह से होता है। पार्टी मेकअप तो नहीं रहेगा, सिंपल सा मेकअप है। और बाल कैसे बनाए हैं अतिथि ने, देखिए इस तरह से बाल बनाए हैं। और अतिथि अतिथि अच्छे से मेकअप दिखाएगी मेरे व्यूअर्स को। हाँ। तो अतिथि आपको दिखा रही है मेकअप, ओके। और आप जानते हो आई एम ब्यूटिशियन ज्योत्सना जायसवाल और मेरा पार्लर है। और चलिए अब मेकअप स्टार्ट करते हैं, ओके। तो गाइस, मेकअप में ये सारा सामान है। एक मेकअप बॉक्स है मेरे पास और ये थोड़ा कुछ अतिथि का सामान है मेकअप का, ये ब्रश वगैरह। तो अतिथि अभी स्टार्ट करेगी आपको मेकअप दिखाना, ओके। मेकअप बॉक्स खोल दो। गाइस, ये है मेरा मेकअप बॉक्स, इसमें बहुत सारे अटैचमेंट हैं। देखिए गाइस, इस तरह से ये मेकअप बॉक्स खुलता है। कैसा लगा? आजकल सारे प्लेटर्स वगैरह आते हैं, लेकिन मैंने ये मेकअप बॉक्स लिया है। और इसमें मिरर भी दिया है और इस तरह से सारा आई शेडोज ब्रशेस वगैरह सब है, इस तरह से खुल जाता है। तो गाइस चलिए अब मेकअप स्टार्ट करते हैं। अतिथि मेकअप स्टार्ट कर दो। गाइस, ये अतिथि को कान में ना मैंने आज नया पहनाया है, तो उसका हल्दी लगाया है। देखिए, हल्दी और नारियल तेल मिक्स करके मैंने लगाया है। तो ये इस तरह से हल्दी का दिख रहा है आपको, उसके कान में येल्लो येल्लो। तो गाइस, ये अतिथि लगा रही है प्राइमर। दिखाओ प्राइमर कितना लिया आपने, कितना लिया प्राइमर? एकदम थोड़ा सा, थोड़ा सा ही प्राइमर लेना। हाँ, और पोर्स पे। सिर्फ बीच के टी जोन में पोर्स। गाइस, पहले मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद प्राइमर लगाना है। सोनी, मुझे लगता है ये नीचे ना आपका हल्दी हल्दी दिख रहा है और ड्रेस पे लग जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? पोछ डालो, उस ऊपर मत पोछो, नीचे सिर्फ चिक के वहाँ वहाँ पे पोछ लो। ओके, बस हिलाओ मत। आज ही पहनाया है ना गाइस इसको, ये कान का मैंने, तो थोड़ा दुख रहा है, 8 दिन से पहनी नहीं थी। तो उसके बाद आप क्या यूज करने जा रही हो? अभी प्राइमर को 5 मिनट सेट होने को टाइम लगेगा, ओके। और अच्छे से मसाज करना है प्राइमर, अच्छे से फाउंडेशन लगाना है। कौन सा कंपनी का फाउंडेशन? Maybelline का फिट मी फाउंडेशन है, शेड नंबर 128। ओके, ये है Maybelline का फिट मी फाउंडेशन शेड नंबर 128। ओके, मेरा ब्यूटी स्पॉन्ज खराब हो गया है थोड़ा, तो नया लेने का टाइम नहीं मिला। तो थोड़ा हाथ से ही लगा लेती हूँ। और आज हमने ना गाइस नायका से बहुत सारा सामान मंगाया है,
लेकिन उसमें 1000 के शॉपिंग पे कुछ फ्री था, पर वो कूपन कोड ही अप्लाई नहीं हो रहा था, और 1500 के उस पर भी कुछ फ्री था, पर वो भी कूपन कोड अप्लाई नहीं हो रहा था। तो हम लोग ने फिर विदाउट कूपन कोड ही 2000 का कुछ शॉपिंग किया है। लेग पे भी लगाना है, कान पे भी लगाना है, सब चीज जो भी एरिया ओपन है। थोड़ा कैमरे में भी देखो। ओके गाइस, अतिथि ना आईब्रोज नहीं करती है, क्योंकि उसको वहाँ रशिया में रहती थी तो मैंने मना कर दिया कि आईब्रोज यहाँ से करके जाएगी, फिर वहाँ पे भी आप कराओगी आईब्रोज तो कोई पतला कर देगा, इसलिए उसको आईब्रोज नहीं करती है वो, क्योंकि हॉस्टल में रहना है तो बेकार में आईब्रो वगैरह करेंगे तो। पहले कभी भी मेकअप करते टाइम सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज कर लेना है अपने फेस पे, और फिर ही सब चीज को पाउडर से सेट करना है। तो मेरे को अभी थोड़ा कॉन्टोर करना है, तो मैं कॉन्टोर किट यूज कर रही हूँ। ये किस ब्यूटी से है, मैंने अमेजोन से मंगाया था। ओके इसमें सब शेड्स हैं, पर मैं ये शेड यूज करती हूँ, थोड़ा एश ब्राउन शेड। तो गाइस देखिए अभी कॉन्टोरिंग कैसे किया जाता है। फिश माउथ बना के अपने चीक बोन्स को काव करना है। डार्क नहीं करना, हाँ लाइट ही करना। गाइस तो इस तरह से आप कॉन्टोरिंग करके फेस की जो चबी, हाँ शेडो क्रिएट कर सकते हैं, जो चबीनेस रहती है उसको कम कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग करना बहुत जरूरी है। ये क्या है ब्रश आपके ये हाथ में? मेरे पास है कॉन्टोरिंग का ब्लेंडर ब्रश। ब्लेंडर ब्रश है ये, उससे आपको इसको ब्लेंड कर देना है। आपको इंस्टेंटली दिखाई देगा कि ये स्लिमर है, और ये देखिए ये साइड का चिक्स आपको स्लिमर दिख रहा है, और ये साइड अभी किया नहीं है तो ये साइड का आपको फ्लफी दिख रहा है। सबको ब्लेंड करना है। मेरे पास अभी कैमरा में मिरर नहीं है तो मैं यहाँ देख रही हूँ। ईयर्स के पास थोड़ा रहना है। अभी फेस को सेट करेंगे फाउंडेशन को पाउडर से। मैं यूज़ कर रही हूँ स्टूडियो फिक्स मैक का, शेड है NC42। ओके तो ये मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ठीक है। और गाइस मैक का कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत अच्छा आता है। ये आती थी जब दुबई एयरपोर्ट, मतलब दुबई रशिया से आ रही थी ना, तो दुबई उसका हॉल्ट था एक, तो दुबई एयरपोर्ट से लिया था ना बेटा? हाँ तो दुबई एयरपोर्ट से लिया था उसने, वहाँ थोड़ा रीजनेबल रेट में मिल जाता है, और ओरिजिनल पीस भी मिलता है ना। एयरपोर्ट से लिया, एयरपोर्ट से लिया था ना, तो ओरिजिनल पीस मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर ईयर्स को भी लगा देना। हाँ। थोड़ा सा लगाना, मतलब आप संभाल के लगाना कान को। ईयर्स पे नहीं लगा रही क्योंकि मेरा, हाँ गाइस उसके कान दुख रहे, आज ही वो लगाया है ना, पिनाया है तो बस थोड़ा आप मेकअप करते टाइम जो भी ओपन एरिया है सब में लगाना। वही तो आपने गाइस जितना भी ओपन एरिया है, इवन हैंड्स पे भी सब लगाइए आप, क्योंकि हैंड भी अपने सामने दिखते हैं, तो हैंड पे भी आप मेकअप कीजिए जब भी मेकअप करेंगे तो।
अभी हम कॉन्टोर को सेट करेंगे, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बॉडी शॉप का ब्रॉन्जिंग पाउडर। बॉडी शॉप का हनी ब्रॉन्जर। जो जो एरिया में क्रीम कॉन्टोर लगाया था सब जगह। गाइज आसपास बहुत मेस पड़ा है, आप बिल्कुल भी उसको अवॉइड कीजिए, और जो मेकअप सिखा रहे हैं वही देखिए, क्योंकि हम जा रहे हैं उसी बीच में क्लाइंट पार्लर पे, तो इस तरह से पूरा मेस मेरा पड़ा है। अब मैं साथ ही में ब्लश लगा रही हूँ, ये मैंने रशिया के ब्रांड कोई ब्रांड से लिया था, विवियाना सैबू नंबर 12। ये रशिया से लिया हुआ है, इम्पोर्टेड है, जब अतिथि रशिया में रहती थी 6 साल रहे हैं, मैंने बहुत यूज़ भी किया है। ओ 2 महीने से यहाँ आई है, लग जाएगा वो बाद में लगा देना, बहुत यूज़ कर लिया इसको, अच्छा है मतलब। और जब हम गाइस रशिया से आ रहे थे ना, तो हमें सारा मेकअप प्रोडक्ट बहुत सारा लेना था, पर हमारे उसमें एक सुई रखने की भी जगह नहीं थी, कितना सारा सामान तो हम फेंक के आए वहाँ पे, जैकेट्स वगैरह तो बहुत सारा हम वहीं डाल के आए, क्योंकि वेट बहुत लिमिटेड लाना था, और हमारी 3 टिकट थी, 3 टिकट में जितना वेट पॉसिबल था उतना ही लेके आए। अतिथि का 6 साल का सामान वहाँ पे था, पर हम वो सब नहीं ला पाए। अब आप क्या यूज़ कर रही हो? अभी मैं आई शेडो लगाने जा रही हूँ, काजल करें पहले, काजल नहीं लगा तो आई शेडो लगाते हैं। मैंने कोई लुक सोच के नहीं रखा है, पर मेरा मैचिंग मैच ग्रे है तो मैं ये कलर लूंगी, ग्रीन नहीं ले रही। नहीं नहीं आप देख के लगाओ, मैं ले लूंगी वीडियो। कलर को मैंने क्रीज में ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और उससे ब्लेंड कर रहा हूं। सिल्वर ग्रे कलर लिया है। क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश वापस से लेंगे और ब्लेंड करेंगे। दिखा तो अभी कैसे हुआ,
बस ज़्यादा कौड़ी नहीं करना है गाइस, ज़्यादा कौड़ी नहीं करना है, नाइट में सिंपल ही रखना है मेकअप। ये ओशिया का काजल है, मेस्मराइजिंग आईज। सेंस का जेल आईलाइनर है ग्रीन कलर में, मैंने ग्रीन कपड़ा पहना है तो मैं ग्रीन कलर का आईलाइनर लगा रही हूँ। आइज बंद करो। ग्रे कलर है, थोड़ा सा नीचे भी आया है। हाइलाइटर है मैरी ल्यूमिनाइजर द बाम कॉस्मेटिक फिक्स। सकाळी किती वाजता उघडेल? मस्कारा मेबेलिन का है, लेस सेंसेशनल। तो गाइज अभी आईलाइनर वगैरह आँख का आई शेडो वगैरह हो गया है और अब हम लगाएंगे मस्कारा। ये पाउडर बेस में है ना बेटा? नहीं नॉर्मल है पर
तो फिर ढूले नहीं उसको, नहीं, दे दो मुझे। तो गाइस अभी फाइनल हो गया है सब कुछ और अब लगा रहे हैं लिपस्टिक। लिप लाइनर से लिप लाइन ले लेंगे। लिप पेंसिल बहुत छोटी हो गई आती थी, मिस क्लेयर का सॉफ्ट मैट लिप क्रीम है शेड 26। नहीं तो सब बाद में आके करते हैं। तो गाइस ये पूरा मेकअप लुक क्रिएट कर लिया है आप लोगों के लिए और अब हम जा रहे हैं हल्दी सेलिब्रेशन करने। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है और ये लाइट इफेक्ट आ रहा है तो मेरा सर ऐसे दिख रहा है। ओके तो गाइस बस फाइनल लुक हो गया है हमारा और हम लोग जा रहे हैं अभी हल्दी पार्टी में। तो गाइस बाय बाय। और आपको ये लुक कैसा लगा? और एक बात रह गई है कि मेकअप फिक्सर स्प्रे मारना रह गया है क्योंकि वो घर पे था, यहाँ लाए नहीं थे पार्लर पे और मेरा पार्लर का जो प्रोडक्ट है वो ख़त्म हो गया है तो मैंने नया लिया है पर वो घर पे रह गया है। तो इसके बाद ना आपको मेकअप फिक्सर स्प्रे मारना है गाइस इसके ऊपर और बस फाइनल लुक आपका रेडी है। तो चलिए चलते हैं हल्दी पार्टी में। और अगर आपको अतिथि का ये मेकअप लुक अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह के वीडियोस लाती रहती हूँ तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अतिथि आप कुछ बोलोगे मेरे व्यूअर्स को? बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।